हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता लेके आई हूँ, जो हमने बिना तेल के बनाया है। कोई भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं हुआ है दोस्तों, नो ऑयल है और बिल्कुल भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब नाश्ता ही बनके तैयार होता है। तो बनाना तो बनता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ले ली है और ये छोटे दाने की सूजी है। आप कोई भी किसी भी टाइप की सूजी ले सकते हैं। ऐड कर दिया है मैंने 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड कर देना है काली मिर्च का पाउडर। आप इसकी जगह पे, सूजी की जगह पे चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको बता रही हूँ सूजी से। आप सूजी हर एक घर में हो जाती है और आसानी से मिल जाती है, हर घर में होती ही है। और इसको ऐसे ही मिक्स कर देंगे और इसको हम जैसे रोटी और पराठे का आटा गूंथा जाता है उस तरीके का हमें डो इसका तैयार करना है। इसको चम्मच से इसमें मिक्स करने में थोड़ी सी ठीक से नहीं मिक्स हो रहा था, तो हाथों से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। जैसे हम रोटी और पराठे का डो लगाते हैं, हमें उसी तरीके से हमें इसका डो लगा देना है। दोस्तों, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा कि कोई बिना ऑयल का कोई भी नाश्ता लेके आए, तो मैं उनके लिए स्पेशली उनके लिए ये नाश्ता लेके आई हूँ। इसे हम रख देंगे बस 10 से 15 मिनट के लिए, पहले हम इसको रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए स्टफिंग के लिए मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से हम चारों तरफ लगा देंगे क्योंकि बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल हुआ है। 1 छोटा चम्मच जीरा ले लेंगे और 1 छोटा चम्मच ही हमें इसमें ले लेना मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड जब हल्का सा हो जाएगा, तड़का लग जाएगा, तब उसमें हम ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्च और छोटी छोटी मैंने बारीक कट कर ली हैं। और उसमें हम करी लीव्स ऐड कर देंगे, 5 से 6 करी लीव्स हैं। इसे हमें चटपटा सा टेस्ट देना है, एकदम बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। इसमें हमने थोड़ा सा, बहुत 2 चुटकी ही हमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। 1 मैंने छोटी सी शिमला मिर्च ली है जिसे बारीक कट कर लिया है। आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और मैंने थोड़ी सी मैंने मटर ली है, हरी मटर। आप चाहें, अगर आपको कोई भी इसमें सब्ज़ी नहीं पसंद है तो आप उसे पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। कोई भी इसमें बर्डन नहीं है, आप कोई भी सब्ज़ी नहीं डालना चाहते तो सिर्फ आलू से भी इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 छोटा चम्मच मैंने ले लिया है नमक, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है ड्राई जिंजर पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच ही मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच लिया है काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसमें मैंने जो कद्दूकस करके आलू रखे हैं, 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उन्हें मैंने कद्दूकस करके रख दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम फ्राई, जैसे हम डोसे का डो लगाते हैं उसी टाइप में, या समोसे का हम डो ले स्टफिंग तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसकी स्टफिंग तैयार कर लेनी है। ये मैंने देखिए, अब हम इसमें ये मिक्स हो गया। अब हम हरा धनिया खूब ढेर सारा ऐड करेंगे, हरा धनिया से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें मैंने थोड़ा सा अरारोट 1 चम्मच ऐड कर दिया है, इससे कि इसमें जो बाइंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब हम स्टफिंग करते हैं तो आलू जो है वो भागता नहीं है, बिखरता नहीं है। तो हमें जब हम अरारोट है, चावल का आटा है, या वो उसमें कॉर्नफ्लोर है, ये भी इसमें हम अगर ऐड कर देते हैं, या जो मुरमुरा होता है या चूरा होता है, इसको हम जब भिगो के ऐड कर देते हैं तो ये आलू होता है वो एकदम बंध जाता है, भागता नहीं। देखिए इस तरीके से लड्डू बन जाता है, ऐसे बिखरने लगता है आलू, तो उसको हम इस तरीके से जब कर देंगे तो नहीं बिखरेगा। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है और तब तक मेरा जो हमने आटा लगा के रखा था, डो लगा के रखा था, वो भी तैयार हो चुका है। अब हम इसका छोटा सा एक हिस्सा लेंगे और इसकी हम एक लोई बना लेंगे, छोटी सी एक लोई बनाएंगे
और उसको हम अभी एक कटोरी का शेप दे देंगे। इस तरीके से हम इसको उंगलियों की और अंगूठे की मदद से इसको हम एक कटोरी का शेप दे देंगे। इस तरीके से जैसे हम कचौड़ी भरते हैं सेम उसी तरीके से हमें इसमें स्टफिंग रखनी है। देखिए स्टफिंग हम रख देंगे, अब इसको हम धीमे धीमे करके इसको हम बंद कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम हटा देंगे। उसके बाद एक लड्डू का शेप दे देंगे, जैसे एक लड्डू होता है या नींबू का आकार होता है उस टाइप में हमें इसे गोल गोल बना लेना। आप किसी कोई भी शेप दे सकते हैं, इसको टिक्की का शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने इसे लड्डू का शेप दे दिया है। देखिए इस तरीके से हम अभी दूसरा भी आपको बता दे रहे हैं। इस तरीके से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। कोई भी एक ध्यान रखना है, क्रैक नहीं होना चाहिए। क्रैक अगर हो जाएगा तो ये जो स्टफिंग है वो बाहर निकल सकती है। इस तरीके से करेंगे। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी पसंद हो आपको। इसे लड्डू का शेप मैंने दे दिया है, सारे मैंने जो भी नाश्ता है मैंने बना के रख दिया है, पूरा तैयार हो चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे, स्ट्रेनर को हम ग्रीस कर देंगे। कोई भी ऑयल ले आप, मेरा इस तरीके का स्ट्रेनर है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ए टू जेड जैसा भी आपके पास हो आप ऐसा ले सकते हैं। बस उसे ग्रीस कर लेना है ऑयल से, जिससे हम नाश्ता इसमें रखें पकाएंगे तो ये चिपके नहीं, निकल जाए आसानी से। ये देखिए इस तरीके से जितने भी आ जाए इसमें आसानी से वो सारे इसमें लगा दीजिए। मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें पानी रख दिया, थोड़ा एक छोटे से नींबू का टुकड़ा रख दिया है, जिससे कि कढ़ाई जो है वो काली नहीं हो, ऑयल से वो सॉरी पानी से जो कढ़ाई ख़राब हो जाती है वो नहीं होनी, वो नहीं होगी अगर आप नींबू का टुकड़ा डाल देते हैं। ये देखिए इसको हमने रख दिया है, 5 से 6 मिनट तक हमें इसे रख पकाना है। 5 से 6 मिनट के बाद देखिए हमने उठाया और देखिए कितना टेस्टी और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये नाश्ता पक के तैयार हो चुका है। आप अगर बिल्कुल ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इसे सर्व कीजिए, चटनी के साथ, सॉस के साथ या चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए, टेस्ट थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए मैंने इन्हें फ्राई कर दिया, हल्का सा इन्हें भून दिया है। तो आप भी अगर आप चाहते हैं इसमें तड़का लगाना तो लगाइए, वरना आप ऐसे ही चाय के साथ, सॉस के साथ आप इसे ले सकते हैं। एक चम्मच मैंने ले लिया है जीरा और 1 ही टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से देखने में बहुत ही लुक अच्छा आता है और क्रंच भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने सफ़ेद तिल का यूज़ किया है। आप चाहें तो ऐड कीजिए, नहीं अगर आपको पसंद है तो आप पूरी तरीके से इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है कलर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, कलर को अच्छा सा लुक देने के लिए। अब हम इसमें जो मैंने लड्डू बना के रखे हैं वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे क्या, जितने भी आपके कढ़ाई में आसानी से आ जाएं उतने आप ऐड कर दीजिए और इसे हल्का हल्का करके इसको धीमी आंच पे ही भूनना है, बहुत तेज़ आंच को नहीं करना है। देखिए कितना अच्छा लुक आने लगा है और देखने में बहुत ही अच्छा आता है। इसके ऊपर से आप हल्का सा काला नमक या फिर चाट मसाला इसके ऊपर डाल दें तो और भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी फ्रेंड जिन्होंने मुझसे ये ऑयल फ्री नाश्ता पूछा था वो हमें ज़रूर से बताएं कि उन्हें ये नाश्ता पसंद आया कि नहीं। मैं इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, कोई भी डिश पूछ सकते हैं, मैं पूरी तरीके से उसे पूरा करने की, जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों मैं बहुत जल्दी, त्यौहार का टाइम है, दिवाली का टाइम है, बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाने वाली हूँ। दोस्तों अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से मेरे सारे लड्डू जो मैंने बना के नाश्ता रखा था वो सारा तैयार है। कितना अच्छा लुक लग रहा है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। मेरे घर में तो सब ने तारीफ़ की है। दोस्तों अगर आपको भी तारीफ़ चाहिए तो तुरंत से चलिए तैयारी कीजिए, बनाइए और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। अगर इसमें कोई भी कमी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। मुझे आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।